थाना प्रभारी दारागंज व एसओजी की टीम ने बुधवार को बीते 31 दिसंबर को दारागंज में आलू व्यापारी की हुई हत्या के आरोपित अतुल कुमार निषाद को गिरफ्तार किया है। मीडिया सेल पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उपायुक्त नगर व सहायक पुलिस आयुक्त झूंसी के पर्यवेक्षण में टीम ने अतुल कुमार निषाद निवासी मीरा गली दारागंज को शमशान घाट शास्त्री पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे हत्या में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि मृतक श्यामजी केसरवानी पुत्र लालचंद केसरवानी के साथ वह काम करता था, जिसके कारण वह उसके घर आना जाना था और उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने की आशंका थी, जिससे परेशान होकर उसने घटना को अंजाम दिया। दारागंज में एक आलू व्यापारी श्यामजी केसरवानी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाने पर मुकदमा लिखा गया तथा थाने की टीमें तथा एसओजी सभी इसके अनावरण में जुट गई और आज इसका सफल अनावरण किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति अतुल निषाद को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि ईएमआई पेमेंट के लिए श्यामजी केसरवानी के द्वारा इनकी गाड़ी चलवाई जाती थी, जो बंद कर दी गई तथा इनकी वाइफ के साथ उनके इलिसिट रिलेशन भी हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस तरीके से अवैध हथियारों का शहर के अंदर उपलब्धता होना ये एक चिंता का विषय है, सर इस पर आगे क्या कार्रवाई इस पर लगातार सभी जगह चेकिंग करवाई जाएंगी और इस तरह के जो पुराने अपराधी हैं उनकी लगातार चेकिंग निगरानी की जाएगी, जिससे इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके।